सोमवार को पुलिस थाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा, एसडीओपी ज्योति उमट ने बताया, इनामी बदमाश और कई धाराओं का आरोपी बन्नू उर्फ रमजान पिता रहमान पिंडारा कई दिनों से पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था। सूचना देने वालों को 4,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की गई थी। एसपी शिवदयाल सिंह, एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा के निर्देशन में थाना प्रभारी शिव मूर्त यादव के नेतृत्व में टीम बनाकर आरोपी बन्नू उर्फ रमजान पिता रहमान को मुखबिर की सूचना पर कलवार के जंगल से 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। इस उल्लेखनीय कार्य में थाना प्रभारी शिव मूर्त यादव, उप निरीक्षक लोकेंद्र सिंह कुशवाहा सहित पूरी टीम का आरोपी को गिरफ्तार करने में योगदान रहा। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। कर लिया है। कन्नौज में इसके 7 अपराध हैं, 4 अपराध इसके खाते गांव में है और 1 अपराध इंदौर में भी है। और भी थानों से इसकी आपराधिक जानकारी जुटाई जा रही है और इसके खिलाफ हम इन अपराधों में कार्रवाई तो कर रहे हैं जो बचे हुए हैं, और साथ ही हम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की भी कार्रवाई इस तरह के दुर्दांत अपराधियों पर कर रहे हैं, ताकि कोई भी जो आसपास के गाँव में इसका बहुत ये हरकतें करता था, काफ़ी ये खतरनाक था लोगों के लिए और पुलिस वालों से भी बचकर भागता फिरता था। आज इसको हमने पकड़ लिया है और इस पर हम कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं। सर, शेष आरोपियों के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब इसके पिता और एक भाई की तलाश जारी है, जिसको जल्द ही हम गिरफ्तार कर लेंगे। इन्हें कब गिरफ्तार करा सर? ये आज हमने इसको गिरफ्तार किया है, न्यायालय पेश कर। कहाँ से करा सर इसको? इसको हमने गाँव से गिरफ्तार किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।